देखो भाई, इधर अरे देखो, यह कोई विद्युत ध्रुव है और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। यह विद्युत ध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। इस स्थिति में ना ही इस पर कोई बल कार्य कर रहे हैं और ना ही कोई बलाघूर्ण कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, यह आराम से रखा है। यह स्थिति इसकी स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। अब यहां से जब इसे ऐसे घुमाया जाता है, आप सोचो ये लाइन इधर को जा रही है, धड़ाधड़ लगातार आ रही है, और जैसे ही ऊपर को उठने की कोशिश करेगा तो ये लाइनें क्या करना चाहेंगी, इसे ये नीचे गिराना चाहेंगे इसे। तो जैसे ही विद्युत ध्रुव को घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि लाइनें तो नीचे गिराना चाह रही हैं, हम घुमा रहे हैं। तो वही घुमाने में के स्टार्टिंग में हमने अल्फा घुमाया तो कितना कार्य करना पड़ा, कितना बल लगा, और हम थीटा घुमा देते हैं, थीटा का मतलब है 30 40 50 60 कितना भी कोण घुमा दें तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य हम निकाल लें, समझ गए। तो उस कार्य का W का मान हमें निकालना है कि किसी भी विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में जब घुमाते हैं तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का मान हमें निकालना है। चित्र बनाएंगे, फिर इसकी हिंदी लिखेंगे, फिर आर्टिकल चलेगा। चित्र बनाओ, और चित्र जो है ना एक साइड में इसी क्रम में बनाना है, क्योंकि लगभग 6-7 लाइनों की हिंदी इसकी आ जाएगी, फिर उसके बाद में इस चित्र की लाइन शुरू वो हेड हिंदी शुरू होगी, फिर नीचे वो आर्टिकल चलेगा। तो जिस क्रम में मैंने बनाया है एक साइड में इसी क्रम में बनाना है। ना बनाओ। माना एक विद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र माना माना एक विद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र के अनुदिश रखा है, क्षेत्र के अनुदिश रखा है। इस स्थिति में विद्युत ध्रुव पर
इस स्थिति में विद्युतीय ध्रुव पर कोई भी बल कोई भी बल तथा बल आघूर्ण कार्य नहीं करते हैं। यह स्थिति विद्युतीय ध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। नई लाइन से लिखेंगे, हाँ सेकंड वाले के लिए लिख रहे हैं। जब विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है कुछ कार्य करना पड़ता है कुछ कार्य करना पड़ता है फर्स्ट अब लगा लेंगे। माना किसी क्षण विद्युतीय ध्रुव अल्फा कोण पर स्थित है। इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण तो ये, हाँ जी, टॉर्क। देखो कल जो था वो थीटा कोण पर रखा था तो यहाँ टो बराबर पी साइन थीटा आया था, लेकिन अभी हमने बोला अल्फा कोण पर रखा है तो यहाँ पी साइन अल्फा आ जाता है। अब देखो उधर, यदि देख लो भाई एक मिनट, यदि विद्युतीय ध्रुव को घुमाया जाता है तो डी अल्फा यार रुको
कोण पर, यदि विद्युत ध्रुव को डी अल्फा कोण पर घुमाया जाता है तो एक सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू करना पड़ता है। तब देखो इधर, कार्य बराबर जो होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन होता है, लेकिन ये तब होता है जब कार्य सीधा सीधा हो रहा हो। लेकिन अगर कार्य हम घुमाव कर रहे हैं, ये घुमा रहे हैं हम इसे, तो सारी चीजें कोणीय हो जाती हैं। बल का तो बल आघूर्ण बन जाता है और विस्थापन का कोणीय विस्थापन बन जाता है। तो कार्य जो है वो तो सूक्ष्म है, बल जो है वो टो है, और कोणीय विस्थापन डी अल्फा हुआ है। थोड़ा सा विस्थापन हुआ है अभी हमने। फिर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लगा देंगे। डी डब्ल्यू बराबर टो बराबर आ जाएगा पी साइन अल्फा डी अल्फा। देखो भाई, हमने इसे थोड़ा सा घुमा के देखा, डी अल्फा थोड़ा सा घुमा के देखा तो हमें इतना कार्य करना पड़ा, लेकिन हम इसे घुमा रहे हैं जीरो से लेकर थीटा तक। थीटा वो कोण है जो 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200, 300 कितना भी हो सकता है, तो वो कोई भी कोण हो सकता है। तो हम कहेंगे कि विद्युत ध्रुव को जीरो से थीटा कोण पर घुमाने में कृत कार्य और कृत कार्य बराबर जो है डी डब्ल्यू, और यहाँ जीरो से थीटा आ जाएगा पीई साइन अल्फा डी अल्फा। इसे कैंसिल हो गया, पीई साइन अल्फा डी अल्फा जीरो से थीटा। अरे सुनो, इससे कैंसिल होता है, ये तो आ गया डब्ल्यू डब्ल्यू आर पीई साइन अल्फा डी अल्फा। अब साइन अल्फा का हमें समाकलन करना है। क्या होता है समाकलन? कोज अल्फा हो जाता है माइनस में, और ये लिमिट जो है वो जीरो से थीटा ऊपर आ जाती है। डब्ल्यू बराबर माइनस, पहले ले लेंगे ये पीई छोटा सा घुमाया होगा, थोड़ा सा घुमा के देखा तो थोड़ा सा विस्थापन हुआ है। थोड़ा सा विस्थापन के लिए हमने कार्य निकाल दिया, थोड़ा सा, हाँ कोणीय विस्थापन हुआ। अब देखो ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो जी ये आ गया पीई माइनस के, और यहाँ आ जाएगा कोज थीटा माइनस कोज जीरो माइनस के, यहाँ आ जाएगा पी कोज थीटा और कोज जीरो का मान वन, माइनस अंदर जाएगा पी, और जी यहाँ हो जाएगा वन माइनस कोज थीटा और ये डब्लू। इसके बाद विशेष स्थिति निकालेंगे, और वो एक बार जीरो कोण पर और एक बार 90 कोण पर निकालेंगे, अलग अलग इतना बता लेंगे। हाँ माइनस कोज अल्फा, तो इस साइन का समाकलन माइनस कोज अल्फा होता है, ये माइनस है तुम्हारा। विशेष स्थिति में नंबर वन है,
देखिए भाई, जब विद्युत द्विध्रुव ध्रुव को 90 डिग्री तक घुमाया जाता है तो थीटा बराबर 90, तो W बराबर PE, मान बताओ पहले जरा, रेस थोड़ा हो रही है, पढ़ाई हो रही है, कोज 90 का मान, ये देख लो यार मैंने क्या लिखा, बुक के दिखा दे रहा, तुम यहां को बैठो आगे, मैं बताओ कोज 90 का मान, वन माइनस जीरो, तो पी बराबर डब्ल्यू बराबर पी आ जाता है, ये अधिकतम कार्य होता है। इसके बाद आ जाता है जब विद्युत ध्रुव को 0 डिग्री देखो सर ये, तब थीटा बराबर जो है वो 0 डिग्री, वन माइनस कोस जीरो का मान, इस स्थिति में न्यूनतम कार्य होता है। तीसरी स्थिति भी होती है इसमें, जब विद्युत ध्रुव को 180 डिग्री पर घुमाया जाता है तब बताओ भाई माइनस वन को 180 का मतलब होता है पाई, पाई होता है 180 का मान, तो कोस पाई का मान या कोस 180 का मान, मैथ किस किस पे, एक दो तीन है? क्या होता है पाई का मान, ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बताओ फिर, बताओ ना उधराज के टोपर, हाँ कोज पाई का मान 180 का आता है, बताऊंगा नहीं है यार, बात ये नहीं है पाई का मान है, वो तो मैं एक सेकंड में लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये है कि तुम लोग इस टाइम यहाँ जिस पोजिशन में इंटर में बैठे हो और ये पूरे एरिया के सबसे सीनियर क्लास मानी जाती है, इसके बाद डिग्री कॉलेज शुरू होता है, स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई तुम्हारी, और ये हालात हैं जो कि कक्षा 6, 7, 8 में या 9th में लोगों को मान सीख जाते हैं निकालने, इंटर में आके तुमसे एक पाई का मान निकल लिया, अबे इसे छोड़ो 180 हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में या उसमें तो 720 1400 के इन इनके मान निकाले जाते हैं, 360 वाले भी निकाले जाते हैं, वो देख लो वो मोबाइल निकाल के और धड़ाधड़ सोच रहे हम बता दें, हाँ भाई किसी को नहीं पता चलिया, 1.14 कौन में वो भी जीरो, हाँ जी माइनस एक, वन प्लस वन एक सौ अस्सी का मतलब है विद्युत ध्रुव को ऐसे घुमा के ऐसे घुमा दिया हमने, 180 घुमाया है, तो ये इसकी तीन स्थितियां थी, उतार लेंगे से माइनस वन कैसा हो सकता है।